एवरीवन, आज ये हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, मिस्टर दिनेश कुमार। एक नए तरीके का स्कैम और फ्रॉड चल रहा है और ये उसकी जानकारी देंगे। दो बार तो ये भी बच गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये हो चुका है और आपने सुनी भी होगी ये घटनाएं बहुत सारी, तो उसके बारे में जरा दो शब्द बताएंगे। दिनेश जी, इनसे एक बार सुनिए, बताइए सर। साथियों नमस्कार। आज लगभग सुबह 11:15 बजे के करीब मैं पंजाब नेशनल बैंक पंखा रोड डी ब्लॉक जनकपुरी की ओर से आ रहा था, तो एक शख्स जो साइकिल पे था, उसकी उम्र लगभग होगी कोई 35 से 40 के बीच के करीब, कमजोर सा था। एड्रेस पूछने के बहाने उसने मुझसे एड्रेस पूछने लगा। जैसे ही वो मुझसे एड्रेस पूछा, मुझे ऐसा लगा जैसे चक्कर से आ रहा है, और उनके पीछे ही दो बंदे जो बड़ी अच्छी कदकाठी के थे, अपना आजकल के जो काइनेटिक टाइप के स्कूटर्स हैं उसके ऊपर थे, अच्छी कदकाठी ले रखी थी, वो आके रुके। उनको देख के मैं थोड़ा सा सहमा और मैं पीछे की कदम तरफ हटा के तेज़ी से चला, लेकिन तब तक भी मेरे को चक्कर से महसूस हो रहे थे। ऐसा हादसा आज से 1.25 साल पहले के करीब भी विजय ट्रेडर्स के पास मेरे साथ हुआ था, जहां पर उनके भी परिवार के सदस्य मेरी मदद के लिए आए थे। तो मैं चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो इस वजह से कुछ आदत में भी शुमार है कि अगर कोई पूछता है तो उसे बताने लग जाते हैं, लेकिन मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि कभी भी सड़क पर चलते हुए कोई भी किसी का एड्रेस पूछे तो कम से कम 10 कदम की दूरी हो और आसपास देख ले कि कहीं इनके साथ कोई है तो नहीं, क्योंकि आजकल एक नए तरीके का क्राइम का तरीका हो गया है। आदमी से बात करते करते उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं और उसको चक्कर से आने ले जाते हैं, और फिर पीछे साथ चलने वाले लोग जो हैं उसको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। अभी इससे पहले भी एक महिला के साथ इसी तरीके का हुआ और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई सब कुछ अपना गंवाने के बाद। तो मैं विशेष तौर पर बच्चों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से कि वो कभी भी सड़क पर चलते हुए इन बातों का ध्यान रखें, अपने जान माल की रक्षा स्वयं करनी है। मैंने इस घटना की सूचना तुरंत श्री रविकांत SHO मायापुरी को दी और उन्होंने उनको सारा हुलिया बताया। उन्होंने कहा जी कि मैं इसकी जांच पड़ताल करता हूं। तो मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी सचेत रहें, अपने आसपास के लोगों को भी सचेत करें, परिवार के लोगों को भी सचेत करें। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जय हिंद, जय भारत।